अगर आप जानना चाहते हैं कि रेकी लेवल में क्या सिखाया जाता है, रेकी लेवल में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो स्टे ट्यून इन दिस वीडियो। थैंक यू। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर है तो थैंक यू सो मच, और अगर मेरे नए सब्सक्राइबर हो तो वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि रेकी लेवल वन में क्या क्या सिखाया जाता है, रेकी लेवल वन में क्या क्या कवर हो सकता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको रेकी सीखनी है या फिर आपको बस क्यूरियोसिटी है कि रेकी में क्या सिखाया जाता है, एक्चुअली में रेकी क्लास में होता क्या है, तो एंड तक ये वीडियो जरूर देखना। थैंक यू। मैं एक सर्टिफाइड रेकी टीचर हूँ 2002 से, विच इज 18 ईयर्स। मैं 2002 से 18 ईयर्स से रेकी सिखा रही हूँ, रेकी प्रैक्टिस करती हूँ और लोगों को रेकी हीलिंग भी प्रोवाइड करती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाया जाए ताकि लोगों को जिनको पता नहीं है रेकी में क्या कवर हो, उनको इस बारे में सारी जानकारी मिले। तो रेकी लेवल वन में होता क्या है? रेकी अलग अलग तरीके से सिखाई जाती है, थ्रू डिस्टेंस सिखाई जाती है, जूम कॉल में हो गया है, अभी तो ऑनलाइन रेकी हीलिंग है, और पर्सनली 1-to-1 रेकी हीलिंग भी सिखाई जाती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन आप कौन सा क्लास चूज कर रहे हैं। सबसे पहले रेकी इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि आपका नाम, आपके बारे में फ्यू इंफॉर्मेशन, और आप रेकी क्यों सीखना चाहते हो। उसके बाद में रेकी टीचर अपने बारे में बताएंगे कि उन्होंने कितने सालों से रेकी की है, वो क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उनका क्या मकसद है रेकी सिखाने में। इस वजह से आपका और जो टीचर का एक बॉन्डिंग है वो एक बन जाता है। तो ये रेकी लेवल वन स्टार्ट होगा तब की बात है। अब बात आती है कि रेकी में क्या क्या सिखाया जाएगा। तो रेकी में रेकी क्या है, उसकी स्टोरी, इसकी बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं रेकी की स्टोरी शेयर करूं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा। तो आपको रेकी की स्टोरी बताई जाएगी, रेकी क्या है, रेकी क्या नहीं है। उसमें जो एक सबसे स्पेशल चीज है रेकी में, वो है अट्यूनमेंट, उसको हम लोग दीक्षा भी बोलते हैं, जो एक रेकी टीचर है वही दे सकते हैं। तो रेकी टीचर यूनिवर्सल एनर्जी में से आपके बॉडी में वो रेकी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, उसको बोला जाता है अट्यूनमेंट, विच इज वेरी यूनिक फॉर रेकी देन एनी अदर हीलिंग मोडालिटीज। सो वो एक प्रोसेस आपको किया जाएगा जिसमें आपके 7 चक्रस के ऊपर काम किया जाता है। रेकी लेवल वन में 7 चक्र के बारे में, जो हमारे बॉडी को गवर्न कर रहे हैं, उनके बारे में आपको डिटेल में समझाया जाता है। आपको ये भी समझाया जाता है कि अगर इन चीजों में, अगर इन चक्रों में कोई इम्बैलेंस होगा तो आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके बारे में आपको रेकी लेवल वन में समझाया जाता है। उसके बाद में रेकी किस किस चीजों को दी जाती है, रेकी कौन कौन सी चीजों को दी जाती है, वो सारा डिटेल में आपको समझाया जाएगा। रेकी कैसे प्रैक्टिस करनी है, रेकी दी जाती है हाथों से और उसको अलग अलग बॉडी पॉइंट्स होते हैं, तो उसके बारे में आपको समझाया जाएगा कि रेकी के कितने सारे पॉइंट्स हैं, किस तरह से रेकी का प्रैक्टिस 21 डेज तक करना है। मैं जो रेकी सिखाती हूँ वो 2 दिन में, जब 1-to-1 होता है तभी 2 दिन में रेकी का क्लास होता है, पर अगर ऑनलाइन होगा तो उसकी प्रोसेस डिफरेंट होती है। उसी तरह से आप जहाँ पे सीखना चाहते हो वहां पे भी शायद उसकी प्रोसेस डिफरेंट हो सकती है। उसके बारे में आपको समझाया जाएगा कि रेकी के प्रिंसिपल्स क्या है। रेकी हैज अ 5 प्रिंसिपल्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो रेकी के 5 प्रिंसिपल्स, और रेकी में प्रोटेक्टिव शील्ड सिखाया जाता है, जब हम अपने आप को, हमारी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक प्रोटेक्टिव शील्ड बहुत ही मजा आता है सीखने में और प्रैक्टिस करने में। मैंने अपने 6 साल के बच्चे को भी रेकी में प्रोटेक्टिव शील्ड सिखाया है। तो दैट यू विल लर्न रेकी में जो प्रेयर्स आती है आपको वो प्रेयर सिखाई जाएगी। रेकी के फुल बॉडी पॉइंट्स, कैसे किसी को रेकी देना है, अगर आपने रेकी सीख ली है और अगर आपको एज अ प्रोफेशन उसको करना चाहते हो तो आपको रेकी किसी और को कैसे देनी है, वो डिटेल में सारा समझाया जाता है। आप मेक श्योर कीजिए क्या कि आपके पास में एक बुक और पेन और पेपर जो भी है वो हो, और जितने भी पॉइंट्स आपको समझाए गए हो वो आप उसको लिख लीजिएगा। बिकॉज क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप शायद उसको भूल जाएंगे, पर अगर आपने उसको लिखा होगा तो आप नहीं भूलोगे, वो आपके साथ में लाइफ टाइम तक रहेगा। लाइफ टाइम की बात आती है तो मैं प्रोवाइड करती हूँ रेकी लाइफ टाइम सपोर्ट। मेरे पास जो सीख के जाते हैं उनको मैं लाइफ टाइम तक का सपोर्ट उनको प्रोवाइड करती हूँ, ताकि उनको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझे आके वापस पूछ सकते हैं। और रेकी जो फर्स्ट लेवल है उसमें आपको नोट्स दी जाएगी, ऑफकोर्स आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा एट द एंड ऑफ द रेकी लेवल 1 कोर्स।
और उसके साथ में आपको ब्रीफ में बता जाएगा कि रेकी लेवल टू, अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको रेकी लेवल वन के बाद में रेकी लेवल टू भी करना है, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको सारी दी जाएगी रेकी लेवल टू के बारे में। आप ये मेक श्योर कीजिएगा कि आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट्स है, वो सारा आपके टीचर को आप पूछ पाए, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। ये नया कॉन्सेप्ट है, कभी कभी हमको पता नहीं होता है। अगर आपने नहीं पूछा तो ये होता है कि बाद में हम घर पे आके लगता है कि हमने पूछ लिया होता तो अच्छा होता था। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप सारा क्वेश्चन, सब कुछ आपके टीचर को पूछ लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रेकी इज अ वंडरफुल जर्नी, आपने एक बार करना ठान लिया है तो प्लीज आई वुड हाईली रिकमेंड कि उसको सीखना, आपकी लाइफ में बहुत ही उसको आपको काम में आने वाली है। सेइंग दैट, मैं रेकी ऑनलाइन ट्रेनिंग कराना शुरू करने वाली हूँ, तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज मुझे कमेंट में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि यहाँ से जो मेरे YouTube जो सपोर्टर है उनमें से कितने लोगों को रेकी ऑनलाइन ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है। और उसके साथ में मैं रेकी के लिए YouTube लाइव आना सोच रही हूँ कि उसमें मैं रेकी हीलिंग आपको दे पाऊँ थ्रू डिस्टेंस फ्रॉम माई YouTube लाइव वीडियोज। अगर आपको उसमें भी इंटरेस्ट है तो प्लीज 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 मुझे कमेंट्स में लिखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आप मेरे कोई भी वीडियो को मिस ना करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, आई लव यू ऑल। आज का जो वेदर है वो बहुत ही अजीब सा हो गया है, रेन हो रही है, और मुझे ये बोलना था कि जो पीछे की जो फैंस है मेरी पहले वाली वो चली गई है, अब ये नई फैंस आ गई है। जिन लोगों ने मेरे दूसरे वीडियो देखे उनको पता है कि मेरे मोस्टली वीडियोस वहां पे यहाँ पे ही मैंने रिकॉर्ड किए, बिकॉज आई लव दैट फैंस, पर मुझे वो नई फैंस की जगह करनी पड़ी, इसके लिए वो पुरानी वाली फैंस मेरी चली गई है। तो बस मुझे था कि मुझे आप लोगों से ये शेयर करना है। आई रियली होप कि आप मेरे साथ में हमेशा बने रहें। थैंक यू ऑल सो मच एंड आई ट्रूली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू फॉर स्टेइंग विद मी इन माई यूट्यूब जर्नी। Thank you all so much. Bye.